2 सितंबर 2022 भारत ने देश में अब तक के बने सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स डिजाइन वॉरशिप INS विक्रांत को अपनी नेवी में शामिल करके वर्ल्ड के उन टॉप कंट्रीज के लिस्ट में आ गया जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। INS विक्रांत के फुली ऑपरेशनल होने के बाद हमारे 7500 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट के लिए अब एक सेपरेट एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया है, जहां INS विक्रांत INS विक्रमादित्य को सपोर्ट एंड सप्लीमेंट करेगा। लेकिन एक तरफ जहां चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपने एग्रेसिव बिहेवियर से अपना डोमिनेंस शो कर रहा है, वहीं INS विक्रमादित्य को 2035 तक डीकमीशन करने का प्लान है और इंडियन नेवी किसी भी टाइम पे दो एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा ऑपरेट करने के पक्ष में रही है, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी का दबदबा हमेशा कायम रहे। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इंडियन नेवी को INS विशाल की जरूरत है और इंडियन नेवी को INS विशाल बनाने की तैयारी अभी से ही क्यों शुरू करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं INS विशाल की। INS विशाल एक 65,000 टन प्लस वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि लगभग 50-60 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के मिक्स को कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी रेंज INS विक्रांत से ज्यादा होगी, यानी कि 15,000 किलोमीटर प्लस होगी और ये एयरक्राफ्ट कैरियर एस्टोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर ना होकर कैटोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, यानी कि फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर। कैटोबार का मतलब होता है कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, जहां फाइटर जेट को लॉन्च करने के लिए इमोल्स सिस्टम का यूज किया जाता है। इमोल्स सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को बोलते हैं, जहां फाइटर जेट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल की मदद से लॉन्च किया जाता है, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैटापुल की मदद से INS विशाल से जब फाइटर जेट को लॉन्च किया जाएगा तो इस पे मौजूद फाइटर जेट INS विक्रांत पे मौजूद फाइटर जेट से ज्यादा फ्यूल और वेपन को लेकर फ्लाई कर सकता है। वहीं अगर इमोल सिस्टम की बात करें तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं ये DRDO द्वारा बनाई जा रही इमोल सिस्टम है और DRDO अपना इस पे वर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है और जब तक INS विशाल पे इसे लगाने का टाइम आएगा तब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। INS विशाल के आने से इंडियन नेवी एक लार्जर रेंज पर अपना डोमिनेंस साबित कर पाएगी। तो आइए अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी को INS विशाल की जरूरत क्यों है। तो इंडियन नेवी को मेरीटाइम सिक्योरिटी को हमेशा स्ट्रेंथन रखने के लिए सी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाया गया है, और क्योंकि मेरीटाइम सिक्योरिटी को प्रूव करने के लिए स्टैंड ऑफ वेपन मोस्ट क्रूशियल होता है और बिना स्टैंड ऑफ वेपन के मेरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना इम्पॉसिबल है, और ये सिक्योरिटी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही दे सकती है, इसीलिए इंडियन नेवी को INS विशाल की जरूरत है। इसके अलावा क्योंकि नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले ही ऑल डायमेंशंस में स्ट्राइक करने में सक्षम होती है, चाहे वो लैंड अटैक करना हो, चाहे एयर स्ट्राइक करनी हो या फिर नेवल वॉरफेयर करना हो, नेवी का एक कैरियर बैटल ग्रुप अकेले ही काफी होता है किसी भी टाइप के मिशन को अंजाम देने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एडवर्सरी चाइना अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 85,000 टन का एक सुपर कैरियर है उसे लॉन्च कर चुका है और इसी टाइप के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन पे अपना वर्क स्टार्ट कर चुका है। ऐसे में हमारे लिए ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चाइना के बढ़ते हुए नेवल पावर को काउंटर करने के लिए किसी भी टाइम हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में रेडी टू फायर मोड में ऑपरेट होने चाहिए, और इसीलिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एक एब्सोल्यूट नीड है। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि क्या नेवी के पास इतने फंड हैं कि वो INS विशाल को फंड दे सके। तो देखिए, नेवी को इस समय 6 SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और 6 DIS की भी उतनी ही नीड है जितनी कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की। और क्योंकि हम चाइना को अपना एडवर्सरीज मानकर अपनी नेवी को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो चाइना के पास इस टाइम पे लगभग 58-60 के नंबर में सबमरीन्स हैं, जिनमें से 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और 46 DIS अटैक सबमरीन है। वही हमारे पास 17 DIS सबमरीन है, 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघाट है, वहीं 2 और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन बनकर तैयार है जिसे लॉन्च किया जाना है, और इसके बाद 2 और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन बनाए जाएंगे। यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन के मामले में हम चाइना के बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन अभी भी एक भी नहीं है, और इसीलिए नेवी 6 के नंबर में ऐसी सबमरीन को बनाना
करना चाहती है, जिससे कि हम चाइना को सबमरीन के मामले में 2030 तक इजिली काउंटर कर सके। और यही कारण है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन में से नेवी के पास किसी एक प्रोजेक्ट को ही फंड करने के पैसे हैं। और इसीलिए नेवी ये चाह रही है कि इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को डायरेक्टली पीएमओ से फंडिंग मिल जाए, जिससे कि नेवी 2030 तक दोनों चीज को अचीव करके चाइना को इजिली काउंटर कर सके और इंडिया को इकोनॉमिकल पावर के साथ साथ नेवल सुपर पावर के रूप में भी वर्ल्ड में स्थापित कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।